हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज रिसिप्रोकल प्रोनाउन विच इज अ पार्ट ऑफ द सिक्स चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर बुक। रिसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स पास्ट पिक सर्वनाम। रिसिप्रोकल प्रोनाउन्स आर दोज प्रोनाउन्स विच डिनोट म्यूचुअल एक्शन। मीन्स पास्ट पिक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो आपसी या एक दूसरे प्रति क्रिया को दर्शाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो संबंध है उसको दर्शाते हैं। अब जैसे कि ईच अदर और वन अनदर, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है कि एक दूसरे से या एक दूसरे के प्रति। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इनका यूजेस अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग जगह पर होता है। ये नहीं कि जब भी एक दूसरे के प्रति या एक दूसरे से सेंस आए तो हम ईच अदर या वन अनदर में से कोई भी लगा दें, ऐसे नहीं होगा। हिंदी में तो हम एक दूसरे से, चाहे एक है चाहे दो है चाहे तीन है चाहे चार हैं, हम चाहे 100 हैं, हम एक दूसरे से ही बोलेंगे। एक तीसरे से, एक चौथे से, एक पांचवे से, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो हिंदी में तो यही वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में एक डिफरेंस है। जब भी हमें दो पर्सन की बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ दो पर्सन की बात करनी है, दो नाउन के बारे में बात करना है, तब तो हम यूज़ करेंगे ईच अदर। जब दो से ज़्यादा की बात करनी है तब हम, ठीक है ना, वन अनदर, तीन या तीन से ज़्यादा की बात करेंगे हम, ठीक है, तब वन अनदर की बात करेंगे। अभी आपकी बुक में पेज नंबर 28 पर कुछ एक्सरसाइज दी गई है और कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हम उनको रीड करते हैं और इनके यूजेस के बारे में समझते हैं। द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे से लव करते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, टू ब्रदर्स, दो ब्रदर ही हैं ना, दो से ज़्यादा की बता ही नहीं गए हमें, दो ब्रदर ही हैं तो वो एक दूसरे से लव करते हैं। तो हमने यहाँ पर ईच अदर यूज़ किया है, एक दूसरे के प्रति जो उनका एक्शन है वो दर्शाता है, और ईच अदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करता है, ईच अदर। अब यहीं पर दूसरा सेंटेंस है, द बॉय स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर। अब यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं, ठीक है ना, दो हैं, तीन हैं, चार नहीं बताए गए, तो वो ज़्यादा ही हैं, मान लो वो ज़्यादा हैं क्योंकि बताए नहीं गए। तो लड़कों ने एक दूसरे से झगड़ा शुरू कर दिया, लड़के कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने वन अनदर का यूज़ किया है, ईच अदर की बजाय वन अनदर का यूज़ यहाँ पर सुइटेबल है, ईच अदर यहाँ पर रॉन्ग होगा। ये नहीं कि यहाँ पर भी एक दूसरे के दूसरे से, यहाँ पर भी एक दूसरे से मीनिंग आया है तो हम ईच अदर लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। जब दो से ज़्यादा की बात आएगी तो हम वन अनदर यूज़ करेंगे। अब इसी पेज पर कुछ नीचे एक्सरसाइज दी गई हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है। अभी देखो यहाँ पर थर्ड सेंटेंस है, बोथ द रोड्स कट डैश एट मैनी पॉइंट्स। अब बोथ रोड्स मीन्स दोनों रोड्स, बहुत हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ना, सो बोथ द रोड्स, दो की बात हुई है तो ईच अदर लगाएंगे जब वन एन अदर, तो बेटा यहाँ पर ईच अदर लगाएंगे हम, ईच अदर, ईच अदर यहाँ पर सुइटेबल रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस है, द प्रिजनर्स हेल्प डैश इन द जेल। अब प्रिजनर्स, कैदी कितने हैं ये नहीं बताएंगे, तो वन एन अदर यूज़ करेंगे या ईच अदर, यहाँ पर वन अनदर ठीक रहेगा, बिकॉज वन अनदर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हम प्रिजनर मान लेते हैं कि दो से ज़्यादा है, बिकॉज हमें बताई नहीं गए। हाँ, अगर इससे पहले कोई सेंटेंस होता है, जैसे उन प्रिजनर का नाम बताया जाता है या जिससे शो हो कि हम दो प्रिजनर की बात कर रहे हैं, तब हम ईच अदर का यूज़ कर सकते हैं। द टू फ्रेंड्स रिलेटेड स्टोरीज अबाउट डैश। अब यहाँ पर भी टू फ्रेंड्स हैं तो क्या आएगा, ईच अदर या वन अनदर, तो नेचुरली ईच अदर आएगा यहाँ पर भी। उसी तरह सिक्स सेंटेंस है, दे ब्लेम डैश फॉर द लॉस। लॉस के लिए उन दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम किया। अब वो बोलेंगे तो हम एक दूसरे चाहे कितने भी हैं, क्योंकि वर्ड हिंदी में तो हमारे पास यही है, एक दूसरे के लिए, तीसरे चौथे के लिए तो है नहीं, तो यहाँ पर भी हमें बता ही नहीं गए भी दे कितने हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, कितने हैं, तो यहाँ पर भी हम वन अनदर का यूज़ करेंगे, ठीक है, ईच अदर और वन। तो बहुत ही इजी रूल्स थे ईच अदर वन अनदर के। आई थिंक रिसिप्रोकल प्रोनाउन आपको क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो हम पहले ही रीड कर चुके हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।